आज आप लोगों के साथ इंस्टेंट उत्तपम और इसी के साथ डोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक ही बैटर से आप दोनों चीज़ बना सकते हैं, इसमें कोई भी फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें लेना है 3 कप जितने चावल, जो कटोरी से आप लोग यूज़ कर रहे हैं बस वही कटोरी से 3 कप जितने चावल को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने खिचड़ी वाले चावल लिए हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है कम से कम 3 बार, या तो फिर जब तक धोए जब तक पानी एकदम साफ ना हो जाए। सो यहाँ पे मैं 3 बार इसको अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ। जैसे ही अच्छी से 3 बार वॉश कर लेंगे हम इसका जो पानी है वो अच्छी से फेंक लेंगे एंड इसके बाद इसमें हम लोग अच्छा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे एंड इसे सोक करने के लिए रख देंगे। इसे हमें सोक करना है सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है टाइम तो आप लोग सिर्फ इसे गर्म पानी में भी सोक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, 3 कटोरी चावल और 1 कप उड़द दाल लेनी है एंड इसे भी हम अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे 3 बार। देन पानी को इसको फेंक देंगे एंड देन इसमें हम अच्छा सा पानी रखेंगे एंड इसको रख देंगे हम लोग साइड में रेस्ट करने के लिए फॉर 3 आवर्स के लिए। हम लोगों को अगर रात को डोसा बनाना है या उत्तपा बनाना है तो दोपहर को खाने के बाद ये आप लोग सोक करके रख दीजिए, देन शाम को इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल जो है वो एकदम अच्छी तरीके से फूल चुके हैं एंड इसी के साथ उड़द दाल है वो भी एकदम अच्छी से डबल हो गई है उसके साइज से। इसका मतलब है ये दोनों परफेक्टली रेडी हो गया है। तो जैसे हम लोग इसको शाम में ग्राइंड करेंगे, शाम में ग्राइंड करने के बाद रात में हम लोग इसको इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, ग्राइंडर लेना है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये 2 चम्मच जितना हमने सोक किया था वो चावल, इसी के साथ 1 चम्मच जितना हमें यूज करना है इसमें उड़द दाल। इसमें 2 हम लोग टेबलस्पून ऐड करने वाले हैं दही एंड इसे अच्छी तरीके से एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा तब तक ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए एकदम परफेक्टली स्मूथ मिक्सचर बनकर के रेडी हो जाएगा। इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है ज़्यादा, दही से ही ग्राइंड कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इससे। जो लोगों को फर्मेंटेशन फूड अलाउड नहीं होता है या तो फिर आपको इंस्टेंटली बनाना है, इन लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसको हम लोग ऐड कर देंगे एक बाउल में। फिर क्या करना है, सबको इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, देन इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करने वाले नींबू का रस। सो यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस ही ऐड किया, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अभी क्या करना है, इसको हम अच्छी तरीके से बीट करने वाले हैं बीटर की मदद से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप लोग विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। विस्कर से आप लोगों को टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इसको यूज़ ज़रूर कीजिए अगर आप लोग इंस्टेंट बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट कर लिया, ये थोड़ा सा साइज़ में भी डबल हो जाता है एंड इससे जो हम लोग उत्तपा या डोसा बनाते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर एंड इसमें ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड यहाँ पे ये जो हमारा उत्तपा का बैटर है वो बन करके रेडी हो जाएगा। क्या करना है, देन साइड में हम तवा को गरम कर लेंगे एंड इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर को रख देंगे एंड इस अच्छी तरीके से हल्के हाथों से स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला आपको इसको स्प्रेड नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रहना चाहिए। देन इसके ऊपर हम लोग ऐड करने वाले हैं चॉप किए हुए ऑनियंस, टमाटर, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ बीटरूट एंड ग्रीन चिलीज। आप लोग इसमें देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बारीक होल्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं बस उसी तरीके से आ रहे हैं। इसके ऊपर वेजीज ऐड करने के बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिए, 1/2 टीस्पून जितना तेल ऐड कर दीजिए। जैसे ही पीछे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से हम लोग इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरे साइड भी कुक कर लेंगे जब तक एकदम लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब तक एंड ये रेडी हो जाएगा। बस इसी तरीके से हम लोग डोसा बनाएंगे। थोड़ा सा बैटर ले लीजिए, इसको एकदम पतला पतला हम लोग स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लोग 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करके इसे हम लोग कुक कर लेंगे जब तक एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो जाएगा एंड ये देखिए एकदम परफेक्टली डोसा बन करके रेडी है। आप लोग इसी तरीके से डोसा और उत्तपम बनाइए, एकदम ज़्यादा मस्त रिजल्ट आएगा एंड टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत सारे डॉक्टर लोग फर्मेंटेड फूड खाने से मना करते हैं तो ये जो इंस्टेंट तरीका है उत्तपा और डोसा बनाने का वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो वीडियो को सेव ज़रूर करना एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट बना रहे सो सॉफ्टनेस नहीं आएगी, ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनता है। आप चाहे तो ये बैटर में थोड़ा सा सोक किया हुआ पोहा भी ऐड कर सकते हैं पीस के, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप लोग इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा।